दोस्तों फाइनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी के 40 के बारे में, जिसका ऑलमोस्ट हर एक स्पेसिफिकेशन जो है वो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर लीक्स के अकॉर्डिंग इस डिवाइस के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, और साथ ही में इस डिवाइस के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल्स का सोनी IMX686 के सेंसर भी देखने को मिलने वाला है, और साथ ही में यहाँ पर डिजिटल चैट स्टेशन जो कि Xiaomi का एक बहुत ही बड़ा लीक्सटर है, उसने भी इस डिवाइस को कंफर्म किया है कि आपको इस डिवाइस के अंदर फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, क्योंकि Redmi K30 में हमें डुअल पंचोल सेल्फी कैमरा देखने को मिला था, और अप्रोक्स अगर बात की जाए तो Redmi K30 का जो लॉन्च डेट है वो 6 से 7 महीने बीत चुके हैं, तो यहाँ पर Redmi अब अपने Redmi लाइनअप का नया स्मार्टफोन Redmi K40 लॉन्च करने वाला है, जिसको डिजिटल चैट स्टेशन ने कन्फर्म कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस डिवाइस के कन्फर्म स्पेक्स, प्राइस और लॉन्च डेट बताने वाला हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर लीक्स के अकॉर्डिंग मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस का पावरफुल चिपसेट आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और इस चिपसेट का जो परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन 855 प्लस को भी एक्सीड कर देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रेडमी की तरफ से इस बार देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस की कैमरा सेक्शन के बारे में, तो कैमरा सेक्शन को लेकर यहाँ यह कंफर्मेशन आई है कि आपको इस डिवाइस के अंदर 64 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि सोनी IMX686 का सेंसर होगा, जो कि ऑलरेडी हमें रेडमी K30 में देखने को मिला था। तो यहाँ पर हमें कोई भी अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर वही बात करें इस डिवाइस की चार्जिंग को लेकर, तो यहाँ पर आपको 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। बट इससे भी बड़ा अपग्रेड की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको रेडमी K20 के जैसा ही फुल व्यू डिस्प्ले इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि रेडमी K20 के बाद पंचोल कटआउट एक डाउनग्रेड हमें लग रहा था रेडमी K30 के अंदर। तो यहाँ पर जो Xiaomi है वो रेडमी K40 में आपको फुल व्यू डिस्प्ले देने वाला है, जिसमें कि आपको दो डिवाइस देखने को मिल सकते हैं। पहला डिवाइस में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो सेकंड डिवाइस की बात की जा रही है उसमें आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट जनरली यहाँ पर जो 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ जो डिवाइस हमें देखने को मिल रही है, उसमें बहुत सारे एप्स हमें सपोर्टेबल नहीं देखने को मिल रही है, जिसके कारण ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही Xiaomi की Redmi K40 सीरीज देखने को मिले। और अगर सेल्फी कैमरे की बात की जाए, तो फुल व्यू डिस्प्ले अगर आएगी तो आपको यहाँ पर शायद से पॉपअप सेल्फी कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें कि कम से कम आपको 20 मेगापिक्सल या फिर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा ही। बट कैमरा सिंगल होगा या फिर डुअल होगा, इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि Redmi K40 में सिंगल रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर डुअल रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा, हमें कमेंट करके बताएं। एंड फाइनली बात करें दोस्तों इस डिवाइस की लॉन्च डेट के बारे में, तो Redmi K30 को चाइना के अंदर दिसंबर के महीने में लॉन्च किया गया था, और इंडिया के अंदर यही डिवाइस Poco X2 के नाम से हमें देखने को मिला था। तो इस डिवाइस को चाइना के अंदर जुलाई के महीने तक लॉन्च किया जा सकता है, और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर शायद से ये डिवाइस आपको Poco X2 Pro के नाम से देखने को मिल सकता है।